गुरुदेव गुरुदेव, एक भूसा आश्रम में उपद्रव मचा रहा है। अन्य सामग्री छिन भी कर दी, पकड़ने जाता हूँ तो काटता है। हम लोग आश्रम में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ये उत्पाती मूषक जाने कहां से आया है, हमारे सारे आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करे, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे। स्वामी, ये मूषक तो शिव भक्त प्रतीत हो रहा है। श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। गंधर्व क्रौंच के मूषक रूप ने ऋषि पराशर के आश्रम में उपद्रव मचाकर वातावरण को भयंकर रूप से आतंकित कर दिया। यहां तक कि आसपास की झोपड़ियों को भी भस्मीभूत कर दिया। ऋषि पराशर के आतंकित शिष्य एक एक करके आश्रम से पलायन कर गए। इस घटना से ऋषि शुद्ध हो उठे। ऋषि पत्नी वत्सला तथा पराशर ऋषि के सम्मुख इस आपदा से बचने का मात्र एक ही विकल्प था कि वे भोलेनाथ की शरण में जाकर प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और ये संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन हैं और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हूँ। प्रणाम माता, मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुँचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ। शिव शंकर, मैं क्या करूं शिव शंकर,
मूषक तो मुझे भगा भगा कर मेरे प्राण ही हर लेगा। हे भोलेनाथ, इसका उपाय करे। हे प्रभु, इसका उपाय करे। माता श्री गणेश, चिंता न करे माता, गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। और इस मूषक को तो मैं अभी सही मार्ग पर लाता हूँ। भाग 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 बच्चू। अरे बच्चू भाग के कहाँ जाएगा। हे विघ्नहर्ता गणेश, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया, मैं आपका आभारी हूँ। क्रौंच, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते, तुम शापित हो। और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है, वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हो और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रौंच, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है, मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूं गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। प्रणाम पिता महादेव। प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रौंच को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता। गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं, उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दे प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन। ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ऐसे महेश्वर शिव जिनके हस्ताक्षर समय की पुस्तक पर विद्यमान है, समय और सृष्टि जिनके द्वारा गतिमान है, जिन्होंने अनैतिकता, अनीति, अन्याय,
और दमन को समाप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सदा ही जगत का कल्याण किया है, जो संयम और नियम के समर्थक है, किंतु यदा कदा स्वयं भी व्यग्र हो उठते हैं। उनकी इस व्यग्रता में ऐसे अनेक कल्याणकारी रहस्य निहित होते हैं, जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। यद्यपि महेश्वर रुद्र हैं, संहार के देवता हैं, तथापि वे समय समय पर अपनी संहारक शक्तियों को रचनात्मक रूप में प्रकट करते रहते हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? ध्यान में होते हुए भी आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? स्वामी, स्वामी आंखें खोले। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले। स्वामी, क्या बात है देवी, तुम इतने व्यग्र क्यों हो रही हो? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों, कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव, कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा, अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए, न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण के परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं। अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। पिछले 7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। हमारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि
अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया, तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। यह हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। सदा मन वचन कर्म से आपकी सेवा की है, नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिवाराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अनसुईया, जागो, हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आओ सती अनसुईया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिवशंकर प्रभु, प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, प्रभु प्रभु, क्या मेरी मात्र कामना कभी पूर्ण नहीं होगी? तुम्हारे इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं। तुम्हारे सतीत्व तेज के प्रभाव से संपूर्ण जगत ही नहीं अपितु जगत के नियंता त्रिदेव भी प्रभावित है। इसीलिए शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की माता बनोगे। मैं माँ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कब, कैसे प्रभु? ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते देवी। हे शिव शंकर, क्या आप नहीं जानते कि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए कब से आपकी आराधना कर रही हूँ? फिर भी आप मुझे निश्चित उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। किंतु भगवान, तपस्या रत रहने के उपरांत भी मेरे स्वामी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अपनी संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है? उन्होंने सत्य ही कहा है अनसुईया, तुम अपनी कुक्षी से किसी भी बालक को जन्म नहीं दोगी, परंतु जगदम्बा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तुम जगत की माता नहीं, जगत के नियंताओं की माता बनोगी। इसलिए अब
अपनी स्वयं की संतान को प्राप्त करने की कामना को त्याग कर महान त्रिदेवों की माता बनने के उद्देश्य से तपस्या आरंभ करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। भोलेनाथ, स्वामी स्वामी उठिए, स्वामी स्वामी उठिए ना। क्या हुआ अनुसुईया? स्वामी, अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान शिव शंकर को देखा। ये स्वप्न तो अत्यंत शुभ है। कहाँ देखा तुमने भगवान शिव शंकर को? यही अपने आश्रम के आंगन में। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि मैं तपस्या करूं। तपस्या? वो तो तुम करती ही हो। भगवान शिव ने कहा कि मैं जगत के नियंता ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता बनूंगी। जगत की माता से भी उच्च स्थान होगा मेरा, जगत के नियंताओं की माता। लगातार अखंड शिव की आराधना करने वाली अनसुईया को स्वप्न में शिव दिखाई दे और उससे मनोकामना की बात करें तो इसमें आश्चर्य कैसा। हर प्राणी के स्वप्न में उसके अपने विचारों का प्रतिरूप होता है अनसुईया। तो क्या स्वामी, भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी? ये तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऋषियों में महान ब्रह्मपुत्र अत्रि महर्षि की धर्म पत्नी सती अनसुईया को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आश्चर्य है। देवर्षि, आप देवर्षि, क्या आप बता सकते हैं कि सती अनसुईया को ऐसी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण, मेरा प्रश्न भी यही है देवराज, किंतु उत्तर कौन देगा?
क्या आप सती अनुसुया को पहले से ही जानते हैं? ओम के उच्चारण की प्रतिगूंज इतनी तीव्र है देवर्षि कि इसका प्रभाव स्वर्ग तक हो रहा है। उसी गुण से प्रभावित होकर मैं यहाँ चला आया तो देख रहा हूं कि अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया कठोर तप कर रही है। देवर्षि, आपको यह तो ज्ञात होगा कि यह कठोर तप किस लिए कर रही है? नहीं, मुझे इस विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है, और इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या है देवराज? वास्तविकता में तो देवराज हमें इनकी तपस्या के उद्देश्य को नहीं, उसके प्रभाव को देखना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। अनुसुईया, मेरी बात मानो, ये कठोर तपस्या त्याग दो और मेरे साथ आश्रम लौट चलो। देवी अनुसुईया तपस्या क्यों कर रही है देवर्षि नारद भी नहीं जानते। पति अत्रि की बात मानने और सुनने को भी वो तैयार नहीं है, बस कठोर तपस्या ही किए चली जा रही है। इतनी कठोर तपस्या कोई अकारण तो नहीं करता, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? वो स्वर्ग की प्राप्ति करना तो नहीं चाहती? देवर्षि ने इन्हें सती अनुसुईया कहा, तो क्यों ना इनके सतीत्व की परीक्षा ली जाए। देवी अनुसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। गुष्टेंद्र, चली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे श्राप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता। इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनुसुईया, अनुसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करे देवी, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे देवी, मुझसे भूल हुई है। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मार कर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनुसुईया,
मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन ना हो तो क्या यह संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताए देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी। पिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। देवी अनसुया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता, अब तो यह आपके वरदान से ही शांत होगी। अनसुया के समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुया हम त्रिदेवियों सरस्वती पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा। परमपिता, यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है तो उसे अपनी सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता, नहीं, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुया के गुण देखे हैं और ना चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया का, वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। नारायण नारायण, प्रभु आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण, यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। माता, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है,
ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों? ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माता सरस्वती ने तो यहाँ तक हट पकड़ ली है कि अनसुया को अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा। हाँ स्वामी, सतीत्व की श्रेष्ठता का प्रमाण तो अनसुया को देना ही होगा। तुम हमसे पहले यहाँ आ पहुंचे, इतना शीघ्र। नारायण नारायण। परमपिता, श्री हरि के दर्शन करने आपको यहाँ आने में समय लगा, कारण कि आप समस्या का बोझ लेकर साथ आ रहे थे, और मैं तो मात्र श्री हरि के दर्शन करने आया हूँ। अनसुया का ये आवाहन हमारे लिए ही है श्री हरि। देवी सरस्वती की तीव्र इच्छा है कि हम अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसे वरदान दें। यदि वरदान देना ही है तो उसके सतीत्व की महानता की परीक्षा लेकर ही दिया जाना चाहिए। मैं भी श्री हरि से यही अनुरोध करूंगी। नारायण नारायण। श्री हरि, देवी सरस्वती के पश्चात देवी लक्ष्मी का आग्रह भी यही है कि हमें अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। लगता है ये कार्य करना ही होगा, किंतु ऐसा करने से पूर्व हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। ये तपस्या हम त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए ही हो रही है। हर हर महादेव। ऐसा प्रतीत होता है कि सती अनुसुया की तपस्या एवं आह्वान का तीव्र स्वर सुनकर आपके मन में उत्सुकता जागृत हो गई है। कैसी उत्सुकता नारद? उत्सुकता कैसी? जैसी होती है वैसी उत्सुकता माता। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में तो इस उत्सुकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और आप अभी तक केवल प्रश्न ही कर रही है कि कैसी उत्सुकता। नारायण नारायण। स्पष्ट कहो नारद, विवाद क्यों और किस में हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का ये मानना है कि सती अनुसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है, जगत की सबसे महान सती है, त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ। परंतु माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती को ऐसा मानने में आपत्ति है। आपत्ति है? उन दोनों का यह कहना है कि सती अनुसुया को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। अवश्य, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का कहना उचित ही है। परीक्षा तो अनुसुईया को देनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। नारद, तुम यहाँ भी हमसे पूर्वी पहुंच गए। उत्सुकता जागृत करने और भूमिका बांधने का कार्य भला नारद से अच्छा कोई और कर सकता है? परमपिता, मैं माता पार्वती से अनसुया के विषय में यही प्रश्न करने आया था कि देवी अनसुया महानतम सती है। अब इस विषय में कोई विवाद नहीं रहा, और तुम भी इस विषय में अब देवी पार्वती से कोई प्रश्न न करो। जागे महेश्वर। आंखें खोली शिवशंकर। हम दोनों आपकी सेवा में एक विशेष उद्देश्य से यहां उपस्थित हुए हैं।
पधारिये ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आपका स्वागत है। स्वामी, क्या ये सत्य है कि देवी अनुसुईया हम त्रिदेवियों से भी महान सती है? देवी, इसमें आपको कोई शंका है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। अविश्वास का कारण? देवी, आप महान है, स्वयं शक्ति का अवतार है, आप सत्य पर विश्वास न करें यह असंभव है। इस सत्य को हम तीनों भली भांति जानते हैं कि अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से श्रेष्ठ अन्य कोई सती इस जगत में नहीं है। बिना सिद्ध और प्रमाणित हुए श्रेष्ठता और महानता को कैसे स्वीकारा जा सकता है स्वामी? जब तक आप त्रिदेव मिलकर अनुसुईया के सतीत्व की कड़ी से कड़ी परीक्षा नहीं लेते, तब तक हम त्रिदेवियां इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी। यदि आप तीनों की यही इच्छा है तो हम अनसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। उसकी तपस्या का उत्तर देने तो हमें अवश्य जाना ही है, जाकर परीक्षा भी ले लेंगे। देवी सरस्वती भी यही चाहती है और देवी लक्ष्मी का भी यही अनुरोध है। हम तीनों त्रिदेवियों की इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध। अनुरोध करता हूँ कि इस तपस्या से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजन्मा है, वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इस तपस्या को त्याग कर मेरे साथ आश्रम लौट चलो, इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार वेदक दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रही हो अनुसुईया? क्या भी मेरी बात तुम्हें अनुचित लगी? दुष्ट इंद्र ने भी कुछ समय पूर्व आपका रूप धारण करके ऐसा ही प्रयास किया था, किंतु मेरे अंतर में जागृत सतीत्व ने उसकी कपटी माया को आवरण कर दिया और मैंने उसे प्रताड़ित करके भगा दिया था। पति की आज्ञा का पालन करना हर सती का परम धर्म और कर्तव्य है। मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं करूंगी, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मनोकामना त्रिदेवों को पूर्ण करनी ही होगी। चलिए स्वामी। अनसुईया को हम तीनों पर अटूट विश्वास है, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और वैसे भी त्रिदेवियों के अनुरोध को हम त्रिदेव अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अनसुईया की परीक्षा लेने से पूर्व हमें अपना वेश बदलना होगा। हम उसकी परीक्षा इसी वेश में तो नहीं ले सकते। कल्याण भव, तुम कौन हो वत्स? मैं प्रथम बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मैं प्रथम बार ही यहाँ आया हूँ पूज्यवर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंगिरा ऋषि शिवशिष्ट यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ का संचालन करने हेतु आपको आमंत्रित किया है। कृपया मेरे साथ पधारने का कष्ट करें। स्वामी, मेरी तपस्या के कारण विगत कई दिनों से आपने भोजन नहीं किया होगा। मैं तुरंत आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ,
आप भोजन करके ही पधारें। किंतु ऋषिवर, वे सब वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, आप निश्चिंत रहिए, ऋषिवर के आहार की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। देवी, यज्ञकर्ताओं के अनुरोध को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यज्ञ समाप्त होते ही मैं तुरंत लौट आऊंगा। चलो वत्स। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। साधु जनों को प्रणाम। कल्याण भव। साधु महाराज, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे। अपने नियमों के अनुसार हम उसी गृहिणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। भक्ति भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम, तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधुजन, नहीं। आप रुके। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाए, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं किया करते अनसुईया। और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करे साधु जन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया। हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की माता बनोगी। मैं माता बनूंगी? हाँ, तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांत विचार कर लिया तुमने। नारी सुलभ मर्यादा और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। आइए। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर
मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारे। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारे महात्मा गण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो। त्रिदेव धन्य है, आपने बालक बनके मेरी माता बनने की इच्छा पूर्ण कर दी। आप चिंतित लग रही हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं, यही चिंता का कारण है। आओ देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ किंतु उदास हूँ। लगता है विषय वही अनसुईया के महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, नहीं। हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है, अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा।
किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण, मैं तो विष्णु लोक ब्रह्म लोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं है। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम वाक्पटु तो हो ही, अभिनय पटु भी हो। तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सतीत्व का अभिमान चूर चूर कर ले गए हैं? कैसे जानूंगा, कैसे माता, जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनसुया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनसुया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य यह है कि त्रिदेव की मान्यता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनसुया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊँ मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनुसुईया के तीन छोटे छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या, कहाँ गए वे तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहाँ थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण माता, मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनसुया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसीलिए कह दिया कि वे वहाँ थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्बल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विरोध नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता, सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा ना मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या अनुसुईया ने तीन शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनुसुईया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात
पृथ्वीलोक की भाषा में उन्हें